नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। झुंझुनू में 1 नवंबर से श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का होगा आयोजन। भरत कुमार तुलसियान परिवार की ओर से किया जा रहा है आयोजन। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन शोएब खत्री के जन्मदिन पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस के युवा नेता डॉक्टर राजपाल शर्मा ने कार्यक्रम में की शिरकत। झुंझुनू के बारवा गांव में राजपूत समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन होगा। झुंझुनू के खांडवा गांव में पिकअप चोरी का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। पूर्व सांसद अहलावत के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। झुंझुनू के गोठड़ा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। बीजेपी ने नेता राजेश कटेवा ने विजेताओं का किया सम्मान। झुंझुनू के मुडाना गांव में राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान के प्रदेश महामंत्री राकेश सिरोवा ने अपनी बेटी की निकाली बिंदौली। झुंझुनू में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक, वार्षिक अधिवेशन पर चर्चा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में देवसेना की ओर से दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने मंदबुद्धि व्यक्ति की जमीन हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार की पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। राजसमंद के विभिन्न स्थानों पर रेलवे सुविधाएं विकसित करने का आग्रह किया। डूंगरपुर के करावाड़ा में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन। सीनियर टीम रही विजेता। डूंगरपुर के करवाड़ा पुलिस चौकी के प्रभारी गोपाल मीणा हुए एएसआई पद पर पदोन्नत। ग्रामीणों ने बधाई दी। डूंगरपुर के पनाली गांव में गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 6 गांव की टीम ने भाग लिया। डूंगरपुर के गोवाड़ी गांव में जैन समाज की ओर से रथ यात्रा निकाली गई। दिगंबर जैन समाज के लोग शामिल हुए। डूंगरपुर के खोती गांव में संत देवापुरी महाराज के सम्मान मिलाया गया। साइन बोर्ड असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। ग्रामीणों ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन, कार्रवाई करने की मांग। 12 के छबड़ा में मटकी का जहरीला पानी पीने से एक महिला अचेत हुई। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। 12 के बड़ा गांव में 3 नवंबर को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर खान मंत्री प्रमोदजन भाया ने अधिकारियों की बैठक ली। 12 के कुड़ी गांव में पटाखों से लगी आग बुझाने के दौरान एक युवक झुलसा। इलाज के दौरान युवक की। सीकर के रामपुरा में खेत की तारबंदी तोड़ने के बाद को लेकर 2 पक्षों में हुई लाठी भाटाझोंक। 2 महिला समेत 8 लोग घायल। 12 की सीसवाली थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे एसआई वारंटी को गिरफ्तार किया। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। करौली के सरोट गांव में सामाजिक परिवर्तन यात्रा पहुंची, कुरीतियों को लेकर जागरूक किया। करौली के मकनपुर भटपुरा गांव में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी। करौली के बड़ापुरा पेट्रोल पंप के पास अज्ञात बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। पुलिस कर्मी बाल बाल बचे। 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा। करौली के काचोली निवासी नमन बेनीवाल ने केवीएस की 51वीं नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते। ग्रामीणों ने स्वागत किया। नागौर के कुचेरा में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरेंद्र मिर्धा ने दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। नागौर में जाट समाज की समन्वय समिति की बैठक। 30 अक्टूबर को जाट समाज का होगा प्रतिभा सम्मान समारोह। नागौर के मुंडवा में 1 नवंबर से शुरू होगी एमएसपी पर मूंग की खरीद। सर्वर नहीं चलने के कारण किसानों को टोकन कटाने में हो रही परेशानी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने की जनसुनवाई। ग्रामीणों को सुनी समस्याएं, समस्याओं का निस्तारण किया। नागौर थाना पुलिस ने तरनाव गांव के पास हुई हत्या के मामले का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के नोखा में दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। बीकानेर के खाजूवाला में ट्रेलर और पिकअप की भिड़ंत। पिकअप सवार 2 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा उपचार। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया।
नागौर करियाबड़ी में भगवान चारभुजनाथ मंदिर में भगवान को लगाया अन्नकूट का भोग, भगवान की हुई पूजा अर्चना। मेड़ता विधायक इंद्र देवी बावरी के निवास पर दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। रियाबड़ी सरपंच गिरधारी लाल सैनी ने विधायक को दी शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ के थादलपुर गांव के पास रेंज रोवर गाड़ी ने घोड़ी को मारी टक्कर, हादसे में घोड़ी की मौत। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में नए डीएसपी झावरमल यादव ने किया कार्यभार ग्रहण, आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में नगर पालिका की ओर से रामायण सीरियल का प्रसारण किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बहेड़ा में कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, सहकारिता मंत्री आंजना ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन, एसपी राजन दुष्यंत ने विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिसकर्मियों से संवाद किया। सीकर के दातारामगढ़ में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वाले वाहनों के चलान काटे। अजमेर के रूपनगर गांव में आला हजरत दीना शाह बाबा के उर्स मेले का हो रहा आयोजन। सीकर के श्रीमाधोपुर में डाबर बालाजी मंदिर पर सम्मान समारोह का आयोजन, सरकारी सेवा में चयनित और सेवानिवृत्त व्यक्ति का सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ में भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति ने किया विरोध प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अजमेर के केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा किया, विभिन्न कार्यक्रम में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के कुपासन में खेलकूद महोत्सव का कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सांसद सीपी जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन पर निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का होगा आयोजन, 200 डॉक्टर 200 नर्सिंग कर्मी देंगे सेवाएं। बाड़मेर के सिरधरी में खेतलाजी मंदिर पर श्रीमद भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, सनातन महाराजा ने किया कथावाचन। बीकानेर के जैतपुर में किसान का जला छप्परपोश मकान, आग में घरेलू सामान जलकर खाक, ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा ने सफाई कर्मचारियों का आभार जताया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई, एक युवक को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही मामले की जांच। श्रीगंगानगर के जैसर में एनएससीएल की दिल्ली से पहुंची टीम, केंद्रीय राज्य फार्म का किया दौरा, फार्म निदेशक डॉक्टर सुशांत प्रदर्शी से ली बीज उत्पादन की जानकारी। कोटा के टावा में घास बहरू को निकले सवारी, नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने की पूजा अर्चना, खुशहाली की कामना की। बांसवाड़ा के अर्थुना में बीजेपी की बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा। बांसवाड़ा के फलाबारा गांव में घरेलू विवाद के चलते चचेरे भाई ने अपने भाई को मारी लाठी, भाई की हुई मौत, पुलिस कर रही जांच। बांसवाड़ा के काटोल में एक निजी अस्पताल के कर्मचारी पर विवाहिता ने ज्यादा का आरोप लगाया, पुलिस कर रही जांच। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर पीएम के दौरे को लेकर तैयारी, उमेजोटा प्रशासन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बाड़मेर के कूड़ा मालिनी थाना पुलिस ने घर में हुई चोरी की खुलासा किया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया, चोरी का माल बरामद। बांसवाड़ा के लोहारिया गांव में युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जालौर की सांचौर थाना पुलिस ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौर के सांचौर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर की कार्रवाई, एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर के कगाड़ी गांव में युवक के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने, पुलिस कर रही जांच। जोधपुर के मधाना थाना पुलिस ने यातायात नियमों को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। जोधपुर के जुड़ गांव में एक युवक और उसके भाइयों के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने, पुलिस कर रही जांच। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पशु अस्पताल में पशु चिकित्सक कप्पा दरित होने के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी, संबंधित विभाग नहीं दे रहा ध्यान। दालोर में भारतीय किसान संघ का विरोध प्रदर्शन, जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने और 7 घंटे बिजली सप्लाई देने की मांग। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पोकरण जाने वाली सड़क पर घुमावदार मोड़ हादसे को दे रहे नौता, पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दे रहा ध्यान। जोधपुर के ऊसा थाने में एक व्यक्ति ने 6 लोगों के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया, पुलिस कर रही जांच। जैसलमेर के फलसूण में मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया। जैसलमेर के रामदेवरा में हरियाणा के हिसार से आए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव के दर्शन किए, समाधि की पूजा अर्चना की।
सवाई माधोपुर के सुवनपुरा गांव से बहरावडापुर जाने वाले सड़क खस्ता हाल, प्रशासन ने धरा ध्यान, वाहन चालक हो रहे परेशान। जोधपुर के कापरडा गांव में युवक का रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में चार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस कर रही जांच। बाड़मेर से केलनूर बॉर्डर का जोड़ने वाली सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लोकार्पण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई, एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 किलो डोडा पोस्त बरामद। भीलवाड़ा के गंधेड़ गांव के पास पेट्रोल पंप के मालिक का बदमाशों ने किया अपहरण, 10 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा, पुलिस कर रही जांच। जयपुर के गठवाड़ी बस स्टैंड पर लगी रोड लाइट बनी शोपीस, 3 साल से नहीं हुआ बिजली कनेक्शन, वाहन चालक हो रहे परेशान। जोधपुर के ओसा थाने में व्यक्ति ने 4 लोगों के खिलाफ मारपीट करने और बेटी की लज्जा भंग करने का मामला दर्ज कराया, पुलिस कर रही जांच। जोधपुर के गोपालगढ़ थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी। अलवर के मुंडावर में यादव समाज की हुई बैठक, 30 अक्टूबर को आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर विरोध किया। जयपुर के बगरू में रायगढ़ समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का विधायक गंगा देवी ने विमोचन किया, 30 अक्टूबर को आयोजन होगा। अलवर के किशनगढ़ वास में नवनियुक्त पुलिस उप अधीक्षक जयप्रकाश बेनीवाल ने किया पदभार ग्रहण, 4 थानों की भौगोलिक स्थिति का अवलोकन किया। अलवर के नारायणपुर में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और उद्योग मंत्री शकुंतल रावत ने ग्रामीणों ने स्वागत किया। अलवर के विजय सिंहपुरा गांव के ईट भट्टे पर झुग्गी में सो रहे मजदूरों को सांप ने काटा, मजदूर की मौत। अलवर के रामगढ़ में तहसीलदार ने लिया ईओ का चार्ज, काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारी को नोटिस दिए जाने की बात कही। जयपुर के चौमू में नेशनल हाईवे 52 पर तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस कर रही जांच। जयपुर के रेनवाल में अनियंत्रित बाइक कार से टकराई, हादसे में बाइक सवार घायल। जयपुर के दूधू में दिवाली स्नेहमिलन समारोह का आयोजन, विधायक बाबूलाल नागरनिक का लोगों ने सम्मान किया। जयपुर के गोविंदगढ़ में बधाला कट के पास सेना का ट्रक एक ट्रक से टकराया, सेना का ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। सिरोही के रेवडर में व्याख्याता के ट्रांसफर होने पर कॉलेज छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, ट्रांसफर निरस्त करने की मांग। सिरोही के कारोली गांव में जी राजस्थान की खबर का असर, खबर चलने के बाद बदला गया ट्रांसफॉर्मर। सिरोही के शिवगंज में भारतीय किसान संघ की महासभा का हुआ आयोजन, जवाई बांध का पानी नदी में छोड़ने की मांग। कोटा के सुल्तानपुर में वार्ड संख्या 2 में 7 महीने से पेयजल व्यवस्था खराब, ग्रामीणों ने पुलिस थाने में कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन, 5 दिन में समस्या का समाधान करने की मांग। चूरू में नगर परिषद आयुक्त मघराज डूडी को नरेगा कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया, वेतन देने की मांग की, आयुक्त ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। जयपुर के चौमू में यातायात व्यवस्था बेहाल, बस स्टैंड के पास लग जाता है जाम, प्रशासन नहीं दे रहा था। चोरू में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई, एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 200 ग्राम गांजा जब्त, पुलिस कर रही जांच। जयपुर के बलेखड़ गांव में मिठाइयां खाने के कारण 12 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में चल रहा इलाज। जयपुर के दौलतपुरा थाना पुलिस ने ई मित्र संचालक से हुई लूट की वारदात का खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरू के पिथिसर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में मारपीट, पुलिस ने किया दर्ज मामला, जांच जारी। चूरू के दुधवाखरा गांव में पुरानी मस्जिद को लेकर तोड़कर नई मस्जिद की नींव रखी गई, मौलाना ने अमन चैन की दुआ मांगी। भीलवाड़ा के करेड़ा में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया, भजन गायक प्रकाश महाराज ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक मवेशी के सामने आने से हादसे, कवि दीपक पारिक की कार दुर्घटनाग्रस्त, एयरबैग खुलने के कारण कवि पारिक बाल बाल बचे। भीलवाड़ा के गंगापुर में 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ के लिए ब्रह्मचारी महाराज ने किया भूमि पूजन, विधि विधान से हुआ हवन। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पेड़ पर फांसी के फंदे से झूलता मिला शव, पुलिस कर रही जांच। और चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। पर्यटन नगरी जैसलमेर का नाम विश्व के पर्यटन मानचित्र पर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खूबसूरत सोनार की